रायगढ़ वाली में ना सुंगला बोलते हैं, जैसे सारे लोग लगे रहते हैं तो एक दूसरे के सहारे लगे रहते हैं। सुंगला खाना है तो पहाड़ों में आ जाओ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आसमा नेगी, आप सभी का स्वागत है मेरे इन खूबसूरत से पहाड़ों में इस रिमझिम वाली बारिश में। अभी सुबह के 7:30 हो रही है, मैं अभी आ रखी हूँ अपने खेत में और आज मैं गांव से काफ़ी ऊपर वाले खेत में आ रखी हूँ और आज हमारे यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही है। जैसे ही सुबह उठे तो बाहर देखा रिमझिम वाली बारिश हो रही है और अभी चारों तरफ एकदम कोहरा लगा हुआ है और बारीक रिमझिम वाली बारिश हो रही है। और ऐसे में मैं आ रखी हूँ खेत में और मैंने खेत में आके रेनकोट पहन लिया है, तो अब मुझे करनी है गुड़ाई। और यहाँ से इधर साइड मैंने कल और परसों करा था यहाँ से लेके और थोड़ा सा इधर साइड, बस अब मुझे यहाँ से लेके और यहाँ ऊपर तक, ऊपर वाला खेत रह गया है तो अब 2 दिन तक रह गया है मुझे गुड़ाई करना, फिर उसके बाद गुड़ाई वाला काम ख़त्म हो जाएगा। इस मंडुवे की गुड़ाई कर करके ना हाथ थक चुके हैं और आजकल बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है गुड़ाई करने, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें गुड़ाई कर ली है और जैसे सारे लोग लगे रहते हैं तो एक दूसरे के सहारे लगे रहते हैं, लेकिन जब कुछ लोग पूरा कर लेते हैं और कुछ ही लोग रह जाते हैं तो फिर एकदम मतलब मन भी नहीं करता है। और आजकल मैं ना थोड़ा पीछे रह गई हूँ क्योंकि मैं कभी कहीं जा रही हूँ, कभी मैं जागदार गई, कभी मैं बाजार गई, कभी मैं मायके जा रही हूँ, तो ऐसे में मेरा काम थोड़ा पीछे छूट रहा है। मुझे आज यहाँ का पूरी गुड़ाई पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इतनी गुड़ाई तो पूरी करनी है आज अभी के टाइम पर, यहाँ से पूरा करके ही जाना है मुझे आज घर, ये मेरा प्रण है। जब मैं पूरा गुड़ाई करूंगी ना फिर उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको कि मैंने अपनी कही हुई बात को सच कर दिया। और अभी बहुत तेज़ तेज़ वाली बारिश लगने बैठ गई है, जैसे जैसे ना काम करने का टाइम आ रहा है ना वैसे वैसे यहाँ देखो बहुत तेज़ तेज़ वाली बारिश हो रही है। अभी 11:30 बजे का टाइम हो चुका है और फाइनली मेरी यहाँ इस खेतों की गुड़ाई पूरी हो चुकी है। मैंने बोला था कि आज मुझे ये खेत पूरा करके ही घर जाना है, तो इधर से लेके यहाँ से और इधर तक और ये नीचे वाला इतनी गुड़ाई करी है और 11:30 बजे का टाइम हो रहा है तो मैंने ये घास भी निकाल दिया है। और अभी देखो सुबह तक कितनी बारिश हो रही थी और अभी अच्छा मौसम हो गया, मतलब धूप चमक रही है एकदम से, धूप इतनी दिख नहीं रही है लेकिन जितनी गर्मी लग रही है, और बादल तो लगे हैं फिर भी धूप बहुत कड़क वाली मतलब गर्मी हो रही है। तो अभी मैं जाती हूँ घर, मुझे गौशाला भी जाना है, गाय को पानी वगैरह पिलाना है, तो यहाँ तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं गौशाला में आ चुकी हूँ और मैंने अपने गायों को पानी भी पिला दिया है और इनको मैंने अंदर में बांध दिया है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि आज दिन में मैं कद्दू के पत्तों का साग बनाती हूँ, तो कद्दू के पत्ते ये रहे, और जिन्होंने पहाड़ी जीवन व्यतीत किया है तो उनको तो पता होगा कि कद्दू के पत्ते का साग किस तरह बनाया जाता है और किस तरह का होता है। तो ये रहे कद्दू के पत्ते, और जड़ों के साइड होते हैं ना जो पत्ते वो नहीं निकालने हैं हमको, इधर साइड के पत्ते निकालने हैं, वो भी अच्छे अच्छे वाले पत्ते। तो इन पत्तों को सबसे पहले हम निकाल देंगे, फिर अच्छे से धो लेना है इनको और फिर काट के बारीक चाकू से काटना है, फिर बनाना पड़ता है। तो बहुत टेस्ट कद्दू के पत्तों का साग होता है और इन्हीं पे बाद में कद्दू भी लगते हैं, जिनकी पहाड़ों में बहुत अच्छी सब्जी होती है। अब कुछ टाइम के बाद पहाड़ों में घर की सब्जियाँ होने लगती है, जैसे कद्दू, लौकी, करेले। कद्दू भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लंबे वाले कद्दू और एक गोल वाले कद्दू होते हैं। तो आज दूसरी बार मैं कद्दू के पत्तों का साग बना रही हूँ, एक दिन 4-5 दिन पहले भी बनाया था और आज बना रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ना छोटे छोटे ये इनको ज़्यादा पक्के वाले पत्ते नहीं निकालने हैं, क्योंकि वो ना उनमें थोड़ा सा इन पत्तों पे थोड़ा हल्के हल्के कांटे भी होते हैं, ये देखो। तो इनको पहले हमको ना ये बाहर का जो छिलका होता है बाहर का, इसको निकाल देना है, फिर अच्छे से धो के बहुत टेस्टी वाला साग बनता है। कितने लोगों के कद्दू के पत्तू का साग खाने का मन कर रहा है, और जो पहाड़ों के लोग होंगे और बाहर बसे हुए होंगे उनको तो ज़रूर याद आएगी सुंगला, जिसे हमारी गढ़वाली में ना सुंगला बोलते हैं।
और अब बाद में जब हरी मिर्च होती है ना तो सूंड़े में हरी मिर्च मज़ा आ जाएगा। देसी लोगों कुछ टाइम के लिए अगर सूंड़ा खाना है तो पहाड़ों में आ जाओ और हरा हरा कद्दू के पत्तों का साग खाओ। अब कुछ टाइम के बाद ये बेल ना इधर जाएगी और पूरे गौशाला की छत में फैल जाएगी। तब अभी मैं घर में आ चुकी हूँ और मैंने चावल तो मैंने बना लिए हैं और यहाँ पे देखिए मैंने कद्दू के पत्तों को काट करके इनको चूल्हे में बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। सबसे पहले ना इनको खाली पानी में बॉयल करने के लिए रखना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब इसमें हमको थोड़ा सा बेसन मिलाना होगा और देखो कितना अच्छा कलर है ना इसका, देखने में ऐसा है तो खाने में सोचो कैसा होगा। और कद्दू के पत्तों का साग में ना जो तड़का लगाते हैं वो बाद में लगाना पड़ता है, और सब्जी में हम पहले ही तड़का लगा देते हैं लेकिन इस वाले साग में हमको बाद में तड़का लगाना होता है, क्योंकि जो बाद का तड़का होता है ना उसमें कुछ अलग ही स्वाद होता है, बहुत टेस्टी वाला स्वाद होता है। जो साग तो मेरा तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें लगा रही हूँ तड़का। तो मैं इसमें सरसों के दानों का तड़का लगाऊंगी और इसमें प्याज टमाटर वगैरह की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा हम इसमें लहसुन डाल देंगे। खाना तो तैयार हो चुका है हमारा और चलिए अब खाते हैं खाना, क्योंकि टाइम हो चुका है 2 बजे का और आजकल हमेशा 2-2.5 बजे खाना खा रहे हैं। तो चलिए अभी खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे शाम के टाइम पे। अभी शाम के 4:30 बजे का टाइम हो चुका है और अभी का मौसम कुछ इस तरह है, मतलब बारिश हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, बहुत ज़्यादा बारिश लग रही थी, अभी हल्की हल्की कम हो चुकी है। और अभी मैं जा रही हूँ ग्रीन में राशन लेने, तो ये कट्टा और लोग तो सुबह के टाइम पे ले आए थे, मैं सुबह के टाइम पे नहीं गई थी। ये मेरा राशन कार्ड इस तरह, पहले तो जेंट्स लोगों के नाम पे हुआ करता था राशन कार्ड, अब औरतों के नाम पे हो गया है ना, तो ये मेरे नाम से है। ये दोनों भी जा रहे हैं राशन के लिए, वो भी कंडी ले गए ना, तुम तो राशन लेना कंडी मिली अभी मैं पहुंच चुकी हूँ ग्रीन में और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं राशन लेने, इनको भी अभी टाइम मिला, बोले सारे आजकल सुबह के टाइम पे तो गुड़ाई करने जा रहे थे, अभी के टाइम पे मिला है सबको टाइम। हाय कर लो, मिली तुम तो कुटे रही तुम्हारी, हेलो दगड़ियो बाइक स्टार्ट नहीं होने, मतलब जाम हुए बरका बरका के बाइक ना पड़नी पेट्रोल का था एक बार बाइक मगो। आधा घंटा हो गया है यहाँ पे रुके रुके, पहले तो आते थे और बस राशन भरते थे जाते थे, अब ये फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम हो गया तो आधा घंटे तक मतलब रुकना ही पड़ रहा है, नेट ही नहीं चल रहा है, बोले यहाँ पे इंतजार में राशन के। अभी शाम की 7:30 बजे का टाइम हो चुका है और आज मैंने इस खेत का मंडवा सारी डाला है। सारी डालने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ज़्यादा मंडवा होगा वहाँ से उखाड़ हुए के जहाँ पे खाली जगह होती है वहाँ पे लगाना पड़ता है, तो इस जगह पे मैंने इधर साइड में सारी नहीं लगा रखा था तो उधर साइड में लगा लिया है। आजकल देखो इस खेत में, कुछ टाइम पहले देखा होगा आपने जब गुड़ाई कर रही थी तब कितना छोटा था ना, आजकल 2-4 दिन में ही देखते ही देखते मंडवा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और अब तो ना कुदाल से उखाड़ भी नहीं रहा है, इसकी जड़ें अब मजबूत हो गई है ना। 7:30 बजे का टाइम हो चुका है तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।